ये मैंने ले लिया एक सिलेंडर ये देखो ये ले लिया ठीक अब क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहता है कि एक नहीं लेंगे दो लेंगे एक और ले लेंगे ये एक और सिलेंडर अंदर इन साइड ले लिया ये देखो ये ले लिया ठीक चार्ज सिर्फ इसको देंगे बस इसकी सरफेस पे चार्ज देंगे क्यू तो बाय इंडक्शन यहां पर क्या डेवलप हो जाएगा माइनस क्यू और इसको क्या कर देंगे अर्थ कर देंगे राइट सेम स्टाइल है तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन से पोटेंशियल पे होगा V प्लस और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये किस पे होगा V नेगेटिव तो अगर मैं इसकी कैपेसिट निकालू मैंने चार्ज तो अंदर ही दिया था तो Q को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे इससे तो आंसर आ जाएगा तो यानी कि एक बार फिर से मुझे क्या निकालना पड़ेगा पोटेंशियल का डिफरेंस अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम यह है कि जब मैं पोटेंशियल का डिफरेंस लूंगा तो मान लो मैं यहां से यहां जा रहा हूं प्लस से माइनस तो ये मेरा कौन सा पॉइंट माना जाएगा इनिशियल और ये मेरा कौन सा पॉइंट माना जाएगा फाइनल तो मैं बाय डेफिनेशन फिर से वही प्रॉब्लम फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू डेफिनेशन क्या यूज करूंगा ई डी आर कॉस्ट ऑफ जीरो ई बी इधर डी आर बी इधर सेम वही रूल है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि अगर मैं यहां पे जाऊंगा क्योंकि इसका इनर रेडियस ए है मान लो इसका आउटर रेडियस बी है तो जैसे जैसे मैं इसके सेंटर से दूर जाऊंगा ई e की वैल्यू क्या होगी इसमें चेंज होगी आर के साथ अब का का e तो होता है मुझे याद लेकिन सिलेंडर की वजह से e मुझे याद नहीं है क्या किसी को याद है कि एक सिलेंडर पोर्शन कितना ई e लगाता है मेरे को याद नहीं है शेल का याद है शेयर का याद है सिलेंडर का, का याद नहीं है याद क्या करोगे है ही नहीं है ठीक तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह कि पहले हम क्या करेंगे ई e निकाल लेंगे फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्योंकि मुझे ई डॉट डी में क्या चाहिए होगा ई e चाहिए होगा और ई e की वैल्यू अंदर चेंज हो रही है तो पॉइंट नंबर वन मैंने दो ब्लू कलर के सिलेंडर लिए एक्चुअल सिलेंडर इसके अंदर क्यू चार्ज है बाई इंडक्शन माइनस क्यू चार्ज है मुझे ई e निकालना है एट डिस्टेंस ऑफ r तो अगर मुझे ई e डिस्टेंस निकालना है ई e की वैल्यू निकालना डिस्टेंस ऑफ r तो आई विल टेक अ सरफेस

फ्लक्स निकालने का तरीका ई इन एरिया और फ्लक्स निकालने का दूसरा तरीका क्यों इन दोनों को इक्वेट करके ये ई e आ गया अगर आप ये प्रूफ नहीं बीच में करना चाहते मान लो पेपर में आ गया प्रूफ नहीं करना तो एटलीस्ट आप ई e का फॉर्मूला तो याद करके जाओगे फिर ये तो चाहिए होगा अब मेरे ऐसे बंदे को याद नहीं तो मैं दो लाइनें लिखूंगा पहले ये लिख लूंगा फिर ये लिख लूंगा इक्वेट करके ई आ जाएगा ये तो याद करने के अपने अपने तरीके हैं मेरे को याद नहीं पर मैं बना सकता हूं तो ई आ गया अब शुरू करते हैं अब फिर वही चीज पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वॉट माइनस ई e डी आर कॉस जीरो राइट ई e की वैल्यू जो ऊपर से निकाली वो नीचे पुट कर दी कांस्टेंट बाहर आ गए कहां से कहां जाने ए से बी पे जाने तो लिमिट क्या लगाई ए से बी वन बाई आर की इंटीग्रेशन क्या होती है नेचुरल लॉग ऑफ आर एल ऑफ एन का नेचुरल लॉग्स नेचुरल लॉग का बेस क्या माना जाता है ई तो एक बार यहां पर अपर लिमिट पुट करेंगे b एक बार लोअर लिमिट तो log ऑफ b माइनस लॉग ऑफ ए क्योंकि मेरे को उल्टा निकालना है तो माइनस माइनस कैंसल ये आंसर आ गया log b माइनस लॉग ऑफ ए इज लॉग ऑफ बी बाई ए तो ये टर्म आ गई c क्या होता है q बाय पोटेंशियल डिफरेंस तो ये पूरी पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोमिनेटर में ले गए क्यू से क्यू कैंसल आंसर तो नेचुरल लॉग है अगर लॉग टू दी दिन बनाना है तो मैथ्स का रूल है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से क्या करना पड़ेगा इसे मल्टीप्लाई तो दिस इज फाइनल आंसर क्या ये स्टेप क्लियर है सबको यहां तक ठीक है ये तो है थ्योरी की बातें आर आर तो आर्बिटरी पॉइंट है बिकॉज इज चेंजिंग विद फंक्शन ऑफ आर वो तो लिमिट में पुट करेंगे ये और भी ये तो चेंज हो रहा है ना आर के साथ वेरिएबल है तभी तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ठीक है यहां तक कोई क्वेश्चन यहां तक क्लियर है ये तो थी थ्योरी की बातें अब जो हम करने जा रहे हैं वो अब थोड़ी समझने की बातें हैं तो वो कैप्टर ऐसा तो ना चलेगा ये कर लिया हाँ हो गया ये कर लिया कुछ तो है कैपेसिटेंस में क्या कैप रिकॉर्डिंग अगर आप स्कोर हेड पर देखोगे तो खूब सारी रिकॉर्डिंग है कैपेसिटेंस की सबसे बड़ा टॉपिक अगर आप वीडियोस में देखोगे तो कैपेसिटेंस का ही दिखेगा आपको तो एक स्टूडेंट कह रहा था कि ये तो खत्म होने वाला गया यार ऐसे कैसे बड़ा हो गया अभी तो शुरू भी नहीं हुआ क्योंकि सीरीज और के जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक है एक जिस पे टाइम लगेगा ठीक है सबसे बड़ी बात टाइम मुझे नहीं लगेगा टाइम आपको लगेगा प्रैक्टिस करने का टाइम न्यूमेरिकल का आपका है तो अगली बार से क्लास में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट होगी सीरीज और पैरल के क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस होने हैं हमारे और आज का लेक्चर भी एन टी का है नेक्स्ट लेक्चर हम एन टी को क्लोज़ करेंगे या एक असाइनमेंट की फॉर्म में दूंगा ताकि एन टी लेवल हमारा एकदम क्लोज हो जाए फिर अगली जो शीट्स आएंगी वो फिर थोड़ा थोड़ा कॉम्पटिशन के साथ आएंगी लेकिन कॉन्सेप्ट वही चलेगा तो आप बड़े ध्यान से समझना जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है ठीक एक सेकेंड लेना जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जो हमने चार्ज दिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है सिग्मा बा एप्सिलॉन नॉट उसकी वजह से लेते हैं देखो अब ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार बैटरी का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी गेम यह बैटरी की चलेगी अब यहां से लेके आगे की जो कैपेसिटर की जर्नी है ना टोटल अंडरस्टैंडिंग है टोटल मतलब सिर्फ समझना ही है कुछ याद करने वाला कुछ नहीं है देखो पहला रूल बैटरी बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी लेंथ बड़ी होगी नेगेटिव का छोटी होगी यहां पर जो पोटेंशियल है मान लो वो वी है दस वोल्ट हो सकता है पांच वोल्ट हो सकता है कुछ भी पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहां पर V1 है तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा V2 टू माइनस अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको या तो वी से रिप्रेजेंट किया जाता है या ई e से रिप्रेजेंट किया जाता है वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस ई का मतलब है EMF, EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको ऐसा क्यों बोलते हैं ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसमें बताऊंगा फिलहाल आज की डेट में वी और ई e में कोई फर्क आपके लिए नहीं है आप मार्केट जाए आप दस वोल्ट का सेल लेके आए वो दस वोल्ट क्या है वो वी टू माइनस वी वन है उसकी ई एम दस है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के डिफरेंस की वैल्यू 10 वोल्ट है पहला रूल दूसरा रूल ये जो रूल है इसमें इसको दो मिनट बाद बताऊंगा इसको यूज करके दिखाऊंगा अभी इसको इसके ऊपर आता हूं मैं लेकिन जो मेन चीज है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड है इस चैप्टर में वो है कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटल इन पैरल उसको स्टार्ट करने से पहले भी एक और रूल है आपने ओम लॉ पढ़ा होगा ओम लॉ में ये मान लो एक रजिस्टर है ये मान लो टर्मिनल V1 पोटेंशियल पे है और ये V2 पे है एक वायर है यहां पोटेंशियल लगाया लगाया V1 यहां V2 मान लो V1 बड़े पोटेंशियल पे पे है V2 छोटे पोटेंशियल ऐसा नहीं करना V2 है तो 2 बड़ा है V1 है तो 1 छोटा है ऐसा नहीं होता ये तो वेरिएबल्स हैं तो वी मान लो बड़े पोटेंशियल पे वी टू मान लो छोटे पोटेंशियल पे है तो चार्ज विल मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल तो चार्ज कहां जाएगा वी से V2 जाएगा कब तक जब तक पोटेंशियल दोनों का क्या नहीं हो जाता सेम कौन सा चार्ज आएगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल पॉजिटिव पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू और नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लोअर टू हायर तो नेगेटिव चार्ज इसमें कौन है इलेक्ट्रॉन तार में कौन मूव करता है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज तो है वो तो ना मूव करती है तो so इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करेंगे लोअर से हायर तो करंट कहां मूव करेगा इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन यहां गया तो करंट यहां गया मालूम है ये चीज जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन की मोशन हमेशा क्या होता है ऑपोजिट होता है तो अगर इलेक्ट्रॉन की मोशन कहां पर है इस तरफ है तो करंट इस तरफ है या एक और शॉर्टकट है करंट मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऐसे भी याद कर सकते हैं बट चलो वो आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे मान लो करंट मूव कर रहा है ओम्स करके एक साइंटिस्ट था जिसने अपना लॉ बनाया जिसका नाम है ओम्स लॉ ओम्स लॉ कहते हैं कि इन दोनों टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बड़े में से छोटा V1 वन माइनस वी टू इज इक्वल टू क्या करंट इनटू टू यहां की रेजिस्टेंस आर आपने याद किया हुआ वी इक्वल टू आई आर वो V पता है क्या है वो वी है वी वन को वी बोलते हैं पर एक्चुअल में वो दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस है मैं ये बिल्कुल भी नहीं सिखाना चाहता क्योंकि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है वो उस चैप्टर में करेंगे मुझे यह सिखाना है कि मेरे को ओम नो लगाना है एक ऐसी वायर में जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है तो ये एक वायर ले रेजिस्टेंस नहीं है तो आर की वैल्यू क्या होगी जीरो तो आर जीरो हो गया जब आर इसमें जीरो हो गया तो वी वन माइनस वी टू क्या हो गया जीरो वी वन माइनस वी टू क्या हो गया जीरो तो V1 किसके इक्वल हो गया V2। तो ऐसे केस में पहला रूल अगर एक ऐसी वायर जिसकी रेजिस्टेंस नहीं है तो रूल नंबर वन उसके दो कोनों का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा सेम क्लियर है यहां तक तो अगर कोई वायर की रेजिस्टेंस नहीं है एक कोना अगर 10 वोल्ट पे है तो दूसरा कोना भी 10 वोल्ट पे रहेगा कोई डाउट इसमें समझ आ रहा है यहां तक पहला रूल क्लियर है वापस चले इस पे ये रही बैटरी बैटरी लगाई और ऊपर कैपेसिटर लगाया मैं कैपेसिटर को चार्ज करवाना चाहता हूं बैटरी से तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है मान लो ये वी वन पोटेंशियल पे है मान लो ये वी टू पोटेंशियल पे है तो ये प्लस है ये वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा तो अगर ये वी वन पे है तो ये भी ऑटोमेटिकली वी वन पे हो जाएगा और अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा चीज क्लियर है और वैसे ही अगर ये V2 है तो ये इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो अगर ये V2 है तो ये भी V2 है अब बैटरी क्या कर रही है इसमें बैटरी वर्क डन करती है बैटरी काम करती है बैटरी का काम चार्ज को हेर फेर करने का है बस इधर से उठा के उधर उधर से उठा के इधर वो एनर्जी प्रोवाइड करती है मैंने बताया था केमिकल एनर्जी को बाहर निकालती है और एनर्जी प्रोवाइड कैसे बैटरी क्या करती है ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं इसके इलेक्ट्रॉन चुरा लेगी खींच लेगी ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और उठा के किसे देगा इसको दे देगा तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लिए अट्रैक्ट कर लिए तो यहां पर क्या हो गई डेफिशिएंसी कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव तो अगर बैटरी ने यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और यहां पर अगर प्लस क्यू चार्ज है वही इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके किसको दे दिया इसको तो कौन सा चार्ज आ गया माइनस क्यू जब तक बैटरी में जान है जब तक उसमें केमिकल एनर्जी बची हुई है तब तक ये सिचुएशन रहेगी बैटरी वीक हो गई बैटरी डेड हो गई ये फटाफट उठेंगे अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करके कैपेसिटर भी अनचार्ज हो जाएगा छुट्टी जब तक बैटरी है तब तक ठीक है नहीं है तो गई पॉइंट समझ आया बैटरी क्या कर रही है तो बैटरी ने कितने चार्ज को घुमाया क्यू चार्ज को और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये रहा तो बैटरी ने क्या किया वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस तो ऊपर देखा था आपने मैंने point ने discuss किया था ये वाला. तो बैटरी क्या करती है क्या की प्लेट से चार्ज उठाएगी क्यू? और दूसरी पे डाल देगी. तो क्या करेगी? पोटेंशियल डिफरेंस को ई एम एफ भी बोलते हैं तो दोनों एक्सप्रेशन किसके हैं? वर्क डन के, के. कोई डाउट इसमें करंट नहीं फ्लो करता है इसमें कैपेसिटर की चार्जिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करता बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका करंट कहा है करंट दिखाया ही नहीं मैंने कोई करंट नहीं है कैपेसिटर चार्ज हो जाता है करंट नहीं है आप हो गई यार ये अजीब सी बात है यार चार्ज फटाफट मूव कर गया और करंट नहीं है अजीब लगता है ना अब इसका आंसर देता हूं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में वायर ऐसी होती नहीं है जिसकी रेजिस्टेंस ना हो ऐसी तो तार नहीं होती जिसकी रेजिस्टेंस ना हो पर क्योंकि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा रेजिस्टेंस वो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है तो हम जितने कैपेसिटर्स पढ़ेंगे उसमें वायर की रेजिस्टेंस नहीं लेंगे फिर हम पढ़ेंगे रेजिस्टर उसमें कैपेसिटर नहीं पढ़ेंगे फिर तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस उसमें करंट दौड़ेगा अब करंट का दूसरा एक्सप्लेनेशन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इतनी जल्दी होते हैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड करंट जाता है उसके बाद फुली चार्ज हो जाता है तो करंट जीरो हो जाता है अब आप कहोगे सर थोड़ा तो थो गया जब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड गया करंट तो गया ना हाँ गया लेकिन आपके जो न्यूमेरिकल सिचुएशन को कवर नहीं करते वो कहते हैं कि ये मतलब स्विच ऑन आप किया चक्कर पड़ता है आपने ऑन किया इसका मतलब करंट दौड़ा शुरू में और बाद में करंट खत्म हो गया ये भी आने वाले हैं क्वेश्चंस तो अभी इसमें स्विच नहीं लगा हुआ इसका मतलब ये फुली चार्ज है, लेकिन हाँ फ्रैक्शन ऑफ़ में करंट गया होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए होंगे, उसके बाद जीरो गायब हो गया ठीक है क्यों पानी ऊपर से नीचे को गिरता है नेचर का भी तो कोई नाम की चीज है अच्छा ठीक है अब पूछ ही रहे हो तो सुन लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं और मेरे को कहां जाना है मैं लोअर पे हूं मैं हायर पे जाऊंगा कौन सा होता है, तो मैं हो अब ठीक है? ठीक, इसलिए। देखो तो इसमें अब एक चीज बड़े ध्यान से देखना कैपेसिटर्स को मैं किस में लगाऊंगा इन सीरीज ये सीरीज का कॉन्सेप्ट है क्या इसको जरा ध्यान से देखना मान लो ये आपके पास कैपेसिटर है ये आपका पहला कैपेसिटर है ये आपका दूसरा कैपेसिटर है यह आपका तीसरा कैपेसिटर है ये वायर है ये बैटरी है ये वायर है ये वायर है और यह वायर, वायर है ये वायर है और यह वायर है ठीक इसमें इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि ये जो टर्मिनल पॉजिटिव यह नेगेटिव इनका पोटेंशियल डिफरेंस वी है इसका कोई पोटेंशियल इसका कोई पोटेंशियल मान लो कि ये वी है और ये जीरो वोल्ट है मेरी मर्जी मैं वीवन लू वी टू लू इन दोनों का डिफरेंस क्या है इज अब भी ले सकते हो इट्स ओके चलेगा इसका कोई लेना देना नहीं है इससे मैं ये बताने जा रहा हूं ये C1, C2, C3, तीनों सीरीज में लगे हुए हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कंडक्टिंग प्लेट है ना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा और किसको देगा वो इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो मान लो इसने कुछ इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसके ऊपर क्या आ गई डेफिशिएंसी तो कौन सा चार्ज आ गया प्लस अब वो इलेक्ट्रॉन निकल के इसको दे दिए इसने ये लो, ये लो आ गए तो सेम चार्ज कितना आ गया माइनस क्यू बैटरी ने काम कर दिया बाकी काम इंडक्शन कर देगी देखो ये पॉजिटिव है ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं इस कंडक्टिंग प्लेट के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये पॉजिटिव और सारे इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी डेफिशिएंसी। बाय इंडक्शन सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींच के आ गए तो यहां पर क्या हो गई डेफिशिएंसी? अब देखो ये देखो ये स्टेप देख रहे हो चार्ज सभी कैपेसिटर्स पे क्या हो गया सेम इसका मतलब अगर कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो चार्ज हर प्लेट पे क्या रहता है सेम हर कैपेसिटर में सेम चार्ज आ जाता है राइट right? अब अगर ये वी है इस वायर की कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं तो अगर ये वी है तो ये भी क्या हो जाएगा वी अगर ये जीरो है इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये भी किसमें वोल्ट पे आ गया जीरो राइट right? अगर मैं आगे या एक मिनट के लिए मैं ऐसे डिस्कस करूं कि मान लो इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है वी वन इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है वी टू इन दो प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री आप हो गया आपको कैसे पता लगा ये डिफरेंट है चार्ज इसमें Q है मान लो इसकी कैपेसिटी इसकी C2 है और इसकी C3 है तो V Q क्या होता है Q डिवाइडेड बाय सी वन सेकेंड में क्या आएगा V2 Q डिवाइडेड बाय C2 थर्ड में क्या आएगा Q डिवाइडेड बाय सी अब क्यू तो सेम है सी तो सेम नहीं ना इसलिए वी की वैल्यू भी तीनों कैपेसिटर्स में क्या रहेगी डिफरेंट क्योंकि सी डिफरेंट है राइट right? अब अगर ये टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी था इसका वी वन इसका वी टू इसका वी थ्री तो वी विल बी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों कैपेसिटर्स के बीच में ये चीज क्लियर है मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूं कुछ यहां से ये वी और ये जीरो वी वन वी टू वी थ्री सी वन सी टू सी थ्री प्लस माइनस चार्जेस क्लियर क्यों 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 क्लियर अब इसमें अगर ये वी है तो ये भी, भी है क्यों इस वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये वी वी ये भी वी ये जीरो है तो ये भी जीरो तो मान लो ये वी डैश है मान लो कोई भी पोटेंशियल इसका वी डैश है क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और अगर ये वी डैश है तो ये भी

जब मैंने ऐड किया तो वी डैश से वी इक्वल होता है V1 V2 V3 आपको करने की जरूरत नहीं है समझाने के लिए बनाया तो क्लियर है यहां तक तो ये बताओ कि अगर सीरीज में कैपेसिटर है तो चार्ज क्या रखेंगे सब में सेम फर्स्ट कैपेसिटर में वी वन क्या है क्यू बाई सी वन सेकेंड में क्यू बाई सी टू थर्ड में क्यू बाई सी थ्री

तो इस कैपेसिटर के लिए Q इज इक्वल टू सी एस इन टू वी तो यहां से वी बाय क्यू क्या सी एस तो यहां पे पुट कर देते हैं V बाई क्यू की जगह तो फॉर्मूला बन गया कि अगर तीन कैपेसिटर सीरीज में हैं और तीन की जगह पे एक कैपेसिटर लगाना चाहते हैं तो उसकी इक्वल क्या होगी वन बाई सी एस इज वन बाई सी वन वन बाई सी टू एंड वन बाय सी थ्री का एडिशन क्लियर है यहां तक जैसे रजिस्टर में करते थे रेजिस्टेंस सीरीज में आंसर क्या देती थी आर वन प्लस आर टू प्लस इसमें उल्टा है इसमें पैरल वाला रजिस्टर का लगता है तो फॉर्मूला क्लियर है यहां तक और उसी तरीके से अगर ये पैरल में कनेक्टेड है तो रूल नंबर वन अगर ये वी है ये ये देखो जीरो है तो में तो है तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इन तीनों के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और इसको दे देगा तो यहां पर डेफिशिएंसी हो जाएगी और यहां पर एक्सेस हो जाएगा राइट right? पहला रूल क्लियर है तो इसमें अगर पोटेंशियल वी है और वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो अगर ये वी है तो ये भी वी है ये भी वी है और ये भी वी है और अगर ये जीरो है तो फिर 0 ये जीरो ये जीरो और ये भी जीरो तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितने है वी माइनस जीरो इसमें वी माइनस जीरो इसमें v बैटरी का भी v तो इसका मतलब पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रिमेन सेम चाहे बैटरी का चाहे कैपेसिटर का सीरीज में चार्ज सेम पैरेलल में V सेम तो पैरेलल में Q सेम नहीं क्योंकि तीनों की कैपेसिटी डिफरेंट है तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए Q1 वन इज इक्वल टू सी वन इंटू तो Q1 वन इक्वल टू सी वन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस जीरो इज V सेकेंड कैपेसिटर के लिए Q2 टू इज सी V, थर्ड के लिए Q3 थ्री इज सी V, और टोटल चार्ज Q1 वन प्लस क्यू चार्ज बैटरी ने दिया था चुराया

इसके आगे अगले दो लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही चलेगी तो क्या ये पॉइंट क्लियर है तक? रिवाइज़ करना इसे और नेक्स्ट टाइम फिर एनसीआरटी का और का लेक्चर होगा और इसको खत्म करेंगे अगली बार से फिर कंपटीशन वाला काम शुरू करेंगे